अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हुमायूं, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीडी इंफॉर्मेशन। वह सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊँ कि मैं इतना टाइम किधर गायब रहा और आप लोगों को एक अच्छे कंटेंट में वीडियोस नहीं दे पा रहा था। सेकेंडली ये कि आज मैंने कुछ आप लोगों से डिस्कशन करनी है और अपने इसी चैनल के रिलेटेड कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा था और किन वजूहात की वजह से। क्योंकि देखें, आपको पता है ज़िंदगी में, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो कुछ मेरी भी सिचुएशन इसी तरह की थी। तो सबसे पहले मैं बात करने से पहले मैं स्नैपचैट का AI के ऊपर बात करता हूँ कि मेरा असल टॉपिक क्या था। मैंने वहाँ पे हेलो किया, उसके बाद मैंने कहा क्या मुझे यूट्यूब चैनल छोड़ देना चाहिए, जो आज मेरी आप लोगों से डिस्कशन। अब वो रिप्लाई क्या कर रहे हैं, मैं उसके बाद बात करता हूँ। बिल्कुल, अगर तुम चैनल छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा कि वो चैनल मेरा अपना है। अब वो कहता है ओहो अच्छा, मुझे बताओ कि क्या करूं। मैंने उसको कहा, आगे से वो कहता है यूट्यूब चैनल छोड़ने के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम बिल्कुल चैनल बंद करना चाहते हो या सिर्फ टेम्परेरी। उसके बाद उसने कहा कि फिर आप अपने सब्सक्राइबर को वीडियो मैसेज भेजें और उनसे इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो ये मैंने बताया कि मैं किस लिए अब आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारी इसकी स्टोरी थी। अब ये कि मैं यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करना तो चाहता हूँ, मगर आप लोग मुझे ये गाइड करेंगे कि मैं किस टाइप का कंटेंट लेके आऊँ। अब मैं बताता हूँ कि पास्ट स्टोरी क्या थी। वो ये थी कि स्टार्ट में मैंने होम अप्लाइंसिस के ऊपर वीडियोज़ के रिव्यूज़ और देना स्टार्ट किया, और उसके ऊपर नो डाउट अच्छे रिव्यूज़ आए, अच्छे कमेंट आए, और वो मेरा चैनल ग्रो अप करने लगे। सेकेंडली ये फिर थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, क्राइसिस आए, जिस तरह आजकल करंटली मार्केट में प्राइसिस के क्राइसिस आए हैं कि चीज़ें डे बाय डे प्राइसिस होम अप्लाइंसिस में कोई भी चीज़ ले लें वो इंक्रीज़ ही हो रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि अपना अगर कंटेंट को चेंज करें तो क्या कर सकते। सेकेंडली आपने लास्ट कुछ वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें मैंने कंटेंट को चेंज करने के लिए एक ट्राई की, जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की। मे भी उसके ऊपर कोई इतने ख़ास रिव्यूज़ नहीं आए। तो फिर आज मैं सोच रहा था कि मैं क्या अपने चैनल का नेम चेंज कर दूं, क्या मैं अपना कंटेंट चेंज कर दूं। तो फिर मेरे जहन में, जिससे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि AI से मैंने हेल्प ली, और उसका जो मेन पॉइंट था जो मुझे अच्छा लगा कि अपनी ऑडियंस से ही इसके ऊपर रिव्यूज़ लो। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ें क्लियर करें कि क्या मुझे अपना होम अप्लाइंसिस से रिलेटेड, क्योंकि नो डाउट काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ, क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे चेंज कर देना चाहिए कंटेंट, क्या मुझे चैनल का नाम चेंज करना चाहिए। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मगर मेरा पॉइंट एंड द एंड यही है कि आपका एक कमेंट किया हुआ किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मे बी मेरे लिए हो। तो एंड द एंड रिक्वेस्ट, और इस बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आपकी राय मेरे लिए हेल्पफुल होगी और आने वाले टाइम में मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोस भेजते रहेंगे। तो ओके व्यूअर्स, कमिंग सून एज योर कमेंट। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।